नमस्कार, उत्तराखंड दिनभर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुसुम राणा। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। आज सीएम आवास में सीएम धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी से भेंट की, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने चंपावत उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत प्राप्त करने पर सीएम को शुभकामनाएं दी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आगामी बजट सत्र की तैयारियों को लेकर भी विस्तृत रूप से चर्चा हुई। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हार के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत का ट्वीट सामने आया है। हरीश रावत ने लिखा कि निर्मला जी उत्तराखंड की महिला संकल्प शक्ति, संघर्ष शक्ति के प्रतीक के रूप में दिखाई दी हैं। आप चुनाव हारी मगर आपकी हिम्मत नहीं हारी, आप लड़ सकती थी, आप हर दबाव व प्रलोभन के आगे खड़ी रही। हरीश रावत ने आगे लिखा कि कितने वोट मिले इसका आकलन तो कांग्रेस को करना है, लेकिन मेरा जब भी समय और सामर्थ्य साथ देगा तो मैं चंपावत आकर आपका अभिनंदन करूंगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देहरादून में यमुना कॉलोनी स्थित अपने आवास पर फलदार पौधों का रोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि घर में होने वाले किसी भी शुभ पर्व पर सभी को पौधरोपण से कार्य की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि हमारे व्यवहार में हम पर्यावरण संरक्षण से जुड़ सके। बहुत आवश्यक है कि हम अपने पर्यावरण को का बचाव करें, पेड़ लगाएं और जो हमारा पानी है, जल है, उसका संरक्षण करें। साथ ही साथ अपना पूरी पृथ्वी का संरक्षण करें, बचाव करें, पेड़ और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। तो एक बार फिर मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शिरकत की है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर टिहरी जिला मुख्यालय के नर्सिंग कॉलेज के सूर्य मंदिर के पास वन विभाग, जिला प्रशासन और टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने वृक्षारोपण किया। वहीं टिहरी वन विभाग और ब्रह्म कुमारी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में तहसील परिसर घनसाली और मुख्य बाजार में वृक्षारोपण किया गया। भिलंगना वन रेंज अधिकारी आशीष नौटियाल ने बताया कि करीब 50 पेड़ तहसील परिसर में और 25 पेड़ मुख्य बाजार घनसाली में लगाए गए हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो है भिलंगना राजी टिहरी वन प्रभाग के द्वारा करीबन 50-60 पेड़ को यहाँ लगाए गए तहसील परिसर में, और वैसे यहाँ पर भी अभी कम से कम हमने 25-30 पेड़ लगाए हैं। और जो आज का जो मुख्य थीम था उसके आधार पे महत्वपूर्ण था आज का स्वच्छता कार्यक्रम, तो तहसील परिसर में भी और उसके निकट भी हम लोगों ने सभी ने, तहसील प्रशासन ने, ब्लॉक प्रशासन ने, पुलिस विभाग, वन विभाग और ब्रह्म कुमारी संस्थान के सभी साथियों द्वारा और वन विभाग की पूरी टीम के द्वारा यहाँ पर जो है स्वच्छता अभियान चलाया गया और साथ ही साथ जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम। थराली में विश्व पर्यावरण दिवस और स्वर्गीय नारायण सिंह नेगी की स्मृति में नारायण बगड़ विकास खंड के सरकोट गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मैती संस्था ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े व्यक्तियों को मैती सम्मान से नवाजा। कार्यक्रम की अध्यक्षता थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने की। वहीं उत्तरकाशी में भी सभी व्यापारियों ने नेशनल पार्क गंगोत्री में देवदार के पौधे लगाए। ये जो सुदूरवर्ती क्षेत्र सरकोट है और यहाँ पर स्वर्गीय नारायण सिंह ने उस समय जो कल्पना की थी, आज वो साकार हम सब लोगों को दिख रही है। और यहाँ पर बहुत सारे पर्यावरणविद और बहुत सारे हमारे इस क्षेत्र में जिनका चिंतन रहा है वो यहाँ पर जुड़े हैं। मैं आज अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो एक बहुत सुंदर और एक व्यवस्थित जो जंगल बना करके दिया है, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी हम सब लोगों के लिए प्रेरणा है। पिथौरागढ़ में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने धमोर क्षेत्र में देवदार प्रजाति के 150 पौधों का रोपण किया। इधर चमोली में विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस पर नगर निकायों, ग्राम पंचायतों सहित चार धाम यात्रा मार्ग पर पर्यावरण संरक्षण जागरूकता को लेकर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां विभिन्न संगठनों और अधिकारियों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से पौधरोपण और विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। इस अवसर पर लोगों को सफाई और स्वच्छता पर ध्यान देने और पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूक किया गया। पीएम मोदी के कार्यक्रम के 8 साल पूरे होने पर रायवाला क्षेत्र में लाभार्थी सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने सम्मेलन में लाभार्थियों को केंद्र सरकार की विभिन्न जानकारियों और उपलब्धियों से अवगत कराया। वहीं मंत्री डॉक्टर जितेंद्र ने सम्मेलन में कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला, इसको अगर समझना है तो सबसे आसान तरीका ये रहेगा कि इन 8 वर्षों की तुलना की जाए 2014 के पहले 8 वर्षों से या उससे पहले भी, जहाँ एक और निराशावाद का माहौल था, लोग अपना मनोबल खो बैठे थे, भारतीय मूल के लोगों को विदेश जाते हुए अपने आप को कई बार भारतीय कहने में भी संकोच रहता था। आज मोदी जी के व्यक्तित्व के परिणाम स्वरूप गर्दन ऊंची करके हमारा युवा देश विदेश में सम्मान प्राप्त करता है, योगदान कर रहा है।
देहरादून के गांधी पार्क में आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर आप प्रदेश संगठन समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि लगातार बढ़ रही आतंकवाद की घटनाओं को लेकर आप केंद्र सरकार को नींद से जगाने के लिए धरने पर बैठी है। पिथौरागढ़ में आवेदनकर्ताओं का साक्षात्कार जिला सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। साक्षात्कार कार्यक्रम में समिति द्वारा विभिन्न व्यवसायों की स्थापना हेतु ऋण आवेदन करने वाले आवेदनकर्ताओं का साक्षात्कार लिया गया। इसके अलावा ऋण स्वीकृति के लिए संस्तुति की गई। मेरे को 10 लाख तक का ऋण मिलने वाला है इसमें और मैं इसी से ही अपना काम शुरू करने वाला हूँ। मैं इसमें फुटवेयर का काम शुरू करना चाहता हूँ। वन विभाग अल्मोड़ा ने शीतला खेत शाही देवी क्षेत्र में जंगलों की सुरक्षा को लेकर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी वंदना ने शिरकत की। इस दौरान डीएम ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनका मौके पर ही निस्तारण भी किया। साथ ही जिलाधिकारी ने विभागों द्वारा लगाई गई विभिन्न स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। वन अग्नि रोकथाम में जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें हम जनता और महिलाओं के विशेष रूप से सहयोग लेकर हम वन अग्नि रोक सकते हैं। तो वो जो शीतला खेत में हमने पाया है कि क्षेत्रवासी और विशेष रूप से महिलाएं हमारा बहुत सहयोग देती हैं, तो उस मॉडल को पूरे अल्मोड़ा में प्रचार प्रसार करने के लिए अल्मोड़ा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए थे। चौकुटिया हुआ, चाहे भदरौज खान हुआ, इधर सोमेश्वर से भी लोग आए थे, महिलाएँ आई थी, और सबको हमने सबसे हमने निवेदन किया है कि आप अपने क्षेत्रों में समूह बनाएं और वन विभाग से जुड़ें और हमारा वन अग्नि रोकथाम में सहयोग करें, और इस जागरूकता को फैलाने में आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से काफी हद तक सफल हुए। कुमाऊं रेंज के डीआईजी नीलेश आनंद भरणे पिथौरागढ़ जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान डीआईजी भरणे ने कहा कि सीमांत जिले में नशा एक गंभीर समस्या बन रही है, जिसे देखते हुए पुलिस ने 1 महीने तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान जिले में एक एंटी ड्रग स्क्वाड का भी गठन किया जाएगा। डीआईजी ने बताया कि पुलिस का एक विशेष वाहन नशा करने युवाओं पर निगाह रखेगा और उन युवाओं को काउंसलिंग भी कराई जाएगी। वहीं पिथौरागढ़ में डीआईजी ने पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण करने के साथ ही यहां व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों की समस्याओं के बारे में भी जानकारी दी। यदि आप उत्तराखंड राज्य से हैं और अपने क्षेत्र की कोई भी खबर प्रसारित करना चाहते हैं, तो हमें वो खबर, उससे संबंधित वीडियो अथवा फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045017701 पर भेज दीजिए। हम आपकी खबर आपके नाम के साथ अवश्य प्रसारित करेंगे। धन्यवाद।